आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए बीएससी आपके लिए ज्योग्राफी जिसका पेपर होता है भौतिक भूगोल, यानी बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी और बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, इसके मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो हम दो वीडियो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वीडियो जिसमें परीक्षा के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपकी अच्छी मदद कर सके, रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए। प्रश्न आ जाता है कि डोलाइन से क्या तात्पर्य है, तो डोलाइन का अर्थ है कि शेल जो होते हैं, चट्टाने जो होती है, उनके घुलन क्रिया द्वारा विलयन छिद्रों का विकास लगातार गहराई में तथा क्षेत्रफल में होता है, तथा जब इन छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो इनको डोलाइन कहते हैं। शैलें होती है, चट्टाने होती है, वो घुलती है, घुलने से उनके छिद्र बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते जब इन छिद्रों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है अर्थात वो एक बड़े दरारे बन जाती है तो वो डोलाइन कहलाते हैं। स्टेक्लेटाइट, स्टेक्लेटाइट क्या है? स्टेक्लेटाइट अलग होता है और स्टेलेमैग्नाइट अलग होता है। स्टेलेग्मानाइट, स्टेलेग्मानाइट अलग होता है, माइट अलग होता है, स्टेलेक्टाइट अलग होता है। चूने के प्रदेश में कंदरा की छत से टपकते लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है, इनको कहा जाता है। जो चूने के प्रदेश होते हैं उनमें जो कंदराएं होती है, गुफाएं होती है, उनमें स्तंभाकार ड्रिप स्टोन होते, यानी जो चूने वाले पत्थर होते हैं और वो पत्थर लटकते होते हैं, इनको स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। स्टेलेग्मानाइट किसको कहता है? स्टेलेग्माइट का अर्थ क्या है कि कंदराओं की छतों से घोलयुक्त जल कुछ टपक कर कंदरा तल पर गिरता रहता है, कालांतर में फर्श पर चूना संग्रहित होकर एक स्तंभ के रूप खड़ा हो जाता है जिसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लो जो छत है, ये गुफा है, इसमें जो ये पत्थर लटक रहा है, ये तो हो गया स्टेलेक्टाइट हो गया स्टेलेक्टाइट। अब यहां से चूना गिर गिर करके और यहां पड़ता है, पड़ते 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 बहुत काफी बड़ा बन जाता है, वो एक स्तंभ का आकार का हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट अलग होता है, स्टेमेग्लाइट अलग होता है। हिमानी किसे कहते हैं? हिम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण का और भार के कारण हाल के अनुसार खिसकती हुई राशि को हिमानी कहते हैं, यानी हिम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण और भार के कारण जो खिसकती हुई जो हिम राशि है अर्थात बर्फ है या चट्टान है, खिसकती हुई जो है, उनको हिमानी कहा जाता है। हिम क्षेत्र क्या होता है? हिम क्षेत्र स्थायी हिम का एक प्रदेश होता है जो केवल पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च अक्षांशों में निम्न तापमान के कारण बचा, जहां पर निम्न तापमान होता है अर्थात बहुत ही कम तापमान होता है, ठंड अधिक पड़ती है, उन क्षेत्रों में ये एक यानी वहां पर हिम जो है अर्थात बर्फ जमा रहता है और वहां स्थायी रूप से जहां बर्फ होता है वो हिम क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे अपना ग्लेशियर है। हिमरेखा से क्या अभिप्राय है? हिमरेखा वह तल या स्तर होता है जिसके ऊपर सदैव हिम जमी रहती है, इसकी ऊंचाई अक्षांशों और धरातल की ऊंचाई के अनुसार भिन्न भिन्न होती रहती है, यानी बर्फ कभी जम जाती है, ज्यादा जम जाती है तो ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत उनमें से पिघल जाती है तो वो ऊंचाई कम होती जाती है, अर्थात उनमें ऊंचाइयां हैं वो बदलती रहती है, तो ये हिमरेखा जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। प्रश्न आ जाएगा कि हिम टोपी क्या है? पर्वतों की चोटियों पर जो हिम की चादर है अर्थात पर्वतों की चोटियों पर जो जमी हुई बर्फ होती है उसको हिम टोपी कहा जाता है। हिम गुंबद किसे कहते हैं? हिम चादर या हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। हिम चादर जैसे ये कोई चोटी है, इस चोटी के ऊपर जो केंद्रीय भाग है इसको हिम गुंबद कहा जाता है। घाटी हिमनद किसे कहते हैं या हिमनद घाटी किसे कहते हैं? जब हिम टोपियों के गुरुत्वाकर्षण के कारण हिम निचले ढालों पर हिमनद के रूप में सरकने लगता है तो उसे हिमनद घाटी या घाटी हिमनद कहा जाता है। पर्वतीय हिमनद से क्या अभिप्राय है? पर्वतीय हिमनद क्या है? पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर पर्वतीय हिमनद यानी पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम टोपी या हिम क्षेत्र अर्थात बड़े बड़े जो ऊपर गुंबद है उन पर जो हिम टोपी अर्थात हिमालय हिमराशि जमी हुई है, बर्फ जमा हुआ है, उस हिम राशि जब गुरुत्वाकर्षण का निचले ढाल की ओर सरिता के रूप में अर्थात वो जब वहां पर नदी के रूप में पिघल करके नीचे प्रवाहित होती है उसे पर्वतीय हिमनद कहा जाता है, यानी पर्वतों से
जो बर्फ होती है वो बर्फ पिघल करके नीचे जब एक नदी के रूप में जल के रूप में प्रवाहित होती है तो वो हिमनद कहलाता है। यू आकार की घाटी से क्या तात्पर्य? यू आकार जैसे अंग्रेजी का यू है, इसके आकार की घाटी, ऐसी घाटियां जिनके किनारे तो खड़े ढाल वाले होते हैं, तल सपाट होता है और वो चौरस होती है। तो अंग्रेजी के यू आकार की जो घाटी है अर्थात यू का आकार होने के कारण इनको यू आकार कहा जाता है। भाई इसके ढाल होते हैं वो तो खड़े होते हैं, ये दीवारों के टाइप होते हैं, और ये तल होता है वो बिल्कुल समतल होता है, तो यानी दोनों तरफ से ये यू का आकार लेने वाली होती है, इसलिए इसको यू आकार की घाटी कहा जाता है। लटकती घाटी किसे कहते हैं? जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाले सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है, इनको लटकती घाटी, यानी हिमनद की मुख्य घाटी के तल से, हिमनद जो है यानी हिमालय से बहने वाले जो जो नदियां बनती है अर्थात पानी, हिम जो है पिघल करके पानी होता है, उससे जो मिलने वाली सहायक घाटियां हैं अर्थात एक घाटी से दूसरी घाटी जो सहायक घाटियां हैं उनके तल अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक ऊंचे होते हैं तो वो नीचे वाली घाटी ऐसा लगता है जैसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो लटक रही है, हालांकि वो लटकती हुई उन पर नहीं होती, उनका अलग बैलेंस होता है। न्यूनाटक किसे कहते हैं? न्यूनाटक विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनदों के बीच में जो ऊंचे ऊंचे टिल्ले होते हैं, विस्तृत हिम क्षेत्र या हिमनद जो है, हिमनद जैसे मान लो यहां से भी पानी बहता है लेकिन यहां पर एक बड़ा टिल्ला है, इस टिल्ले को क्या कहा जाता है? न्यूनाटक कहा जाता है। हिमनदों के बीच में जो ऊंचे ऊंचे टिल्ले होते हैं उनको न्यूनाटक कहते हैं। टिल से क्या अभिप्राय है? हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को टिल कहा जाता है। हिमानी द्वारा अर्थात बर्फबारी होती है, बर्फ से जो तलछट हो जाता है अर्थात वहां पर दलदली से पानी हो जाता है वो तलछट से होता है, उसको क्या कहते हैं? टिल कहा जाता है। तलस्थ हिमोड किसे कहते हैं? तलस्थ हिमोड हिमनद की तली या आधार पर एकत्रित हुए टिल को तलीय या तलस्थ हिमोड कहा जाता है। हिमनद की जो तली है अर्थात उनका जो तल है, पेंदा है, उस पर जो टिल एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित जो टिल हो जाता है अर्थात वो तलछट के रूप में जो जल या बर्फ जो एकत्रित हो जाता है उसी को तलस्थ हिमोड कहा जाता है। कैम किसे कहते हैं? कैम हिमनद के अग्रभाग या हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबे का निक्षेप ढेर के रूप में या टिल्ले के रूप में जमा हो जाता है, उसी प्रकार के टिल्लों को कैम कहते हैं। हिमनद का अग्रभाग या हिम के पिघलने से जैसे बर्फ पिघला, बर्फ पिघल करके और नीचे आया, नीचे आकर के उसका ढेर बन गया, ढेर बन करके वो एक टिल्ले के रूप में हो गया और वो टिल्ले क्या कहलाते हैं? कैम कहलाते हैं। हमक क्या है? हमक या हमस हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है और ये केटिल के मध्य कई छोटे छोटे टिल्ले होते हैं जिनको हमक कहते हैं, यानी उसमें हिम में यानी बर्फ में भी छोटे छोटे जो टिल्ले होते हैं उनको हमक कहा जाता है। उत्पाटन किसे कहते हैं? उत्पाटन क्रिया हिमानी की तली में अपक्षय के कारण बने चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े गतिशील हिम के साथ फैंस कर यानी आगे खिसकते रहते हैं, इसे उत्पाटन यानी हिमानी की तली में जैसे क्षेत्र है वहां पर बर्फ है, क्रिया बर्फ में क्या है कि जो चट्टाने होती है वहां पर लगातार वो क्रिया करती रहती है, क्रिया करने से क्या है वो उन चट्टानों के टुकड़े टूट टूट करके वो गतिशील आगे आगे खिसकते रहते हैं और उन टुकड़ों को खिसकने की जो क्रिया है वो उत्पाटन कहलाती है। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग अपक्षय तथा अपरदन के कारण जैसे कोमल शेल आसानी से कट जाती है लेकिन कठोर शेल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टिल्ले के रूप में बच जाते हैं, इनको इंसेलबर्ग कहा जाता है। देखिए जैसे मान लो एक पर्वत है, पहाड़ है, टिल्ला है, पहाड़ है, उस पहाड़ की कुछ चट्टाने जो होती है वो तो बिल्कुल कोमल होती है, वो तो कट जाती है लेकिन कुछ बहुत ही कठोर होती है वो कटती नहीं है, तो उनमें से वो क्या है कि छिल जाती है, छिल करके उनके जो अवशेष बच जाते हैं अर्थात वो तीखे तीखे रह जाते हैं ऊंचे ऊंचे टिल्लों के रूप में जो बच जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। और इंसेलबर्ग निर्माण की क्रिया का पता लगाने का कार्य है बोर्न हार्ट नामक विद्वान ने किया था, बोर्न हार्ट नामक विद्वान ने इंसेलबर्ग के निर्माण की क्रिया का पता लगाया था। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में किस नाम से? छत्रक शिला जो होती है छतरी के आकार की, उस शिला को सारा रेगिस्तान में गारा के नाम से जाना जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है? गारा के नाम से जाना जाता है। वायु द्वारा निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कौन सी है? वायु के निक्षेप से जो स्थलाकृतियां बनी उसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति, वायु द्वारा निक्षेप
जनित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप इन बालू रेत से बने हुए टिल्ले। बालू का स्तूपों में भिन्नता के क्या कारण है, अर्थात भिन्नता किस कारण से होती है? देखो इसमें एक तो रेत की मात्रा, धरातल की बनावट पर अवरोध उत्पन्न करने वाले साधनों के स्वरूप में, पवन की दिशा, इनके आधार पर उनमें भिन्न। कई बालू का स्तूप छोटे होते हैं, कई समतल होते हैं, कई काफी लंबी चौड़ाई तक फैले होते हैं, कई जैसे मान लो उनका आकार अलग तरह का होता है। तो इनका कारण, अलग आकार होने के कारण क्या है? एक तो वहां रेत की मात्रा है, वहां के धरातल की बनावट भी है, और वहां पर जैसे मतलब जो रेत जमा होती है उसको अवरोध उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं उनमें भी फर्क होता है। पवन किस दिशा में चल रही है उसके आधार पर भी उन जो स्तूप बनते हैं उन स्तूपों के आकार जो है अलग अलग होते हैं। तो ये कारक है उनमें भिन्नता के। आकार के आधार पर बालू का स्तूपों के प्रकार बताइए। एक तो होता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, यानी पवन के अनुवर्ती बनता है। एक बनता है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का, एक तो जैसे मतलब सीधा बन गया, एक आड़ा बन गया, और एक परवलयन बालू का स्तूप बनते हैं जो क्या है कि परवलय आकार का, यानी जैसे मान लो गोल भी हो जाते हैं, कई बार गोल से भी हो जाते हैं। तो अर्थात ये तीन प्रकार के होते हैं जिसको अनुदैर्ध्य भी कहा जाता है, पवनानुवृत्ति, अनुप्रस्थ और परवलयन, ये तीन प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। राजस्थान के थार के रेगिस्तान में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाया जाता है? राजस्थान में जो है रेगिस्तान उसमें कैसे बालू का स्तूप? अपने भारत राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लंबे लंबे पवनानुवृत्ति, पवनानुवृत्ति यानी पवन की दिशा में बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। नेब खा किसे कहते हैं, क्या है? मरुस्थलीय भागों में झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको नेब खा कहा जाता है। ये झाड़ी है, जैसे मान लो रेत उड़ उड़ करके, जैसे यहां पर झाड़ी है, इस झाड़ी के पीछे रेत जमा होती रहती और यहां पर जो ये बालू का स्तूप बनता है उसको नेब खा कहा जाता है। लुनेट क्या है? लुनेट मरुस्थलीय भागों में लघु गर्तों के पीछे नवचंद्राकार बालू का स्तूपों को लुनेट कहते हैं। मरुस्थलीय भाग होते हैं जहां पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और उन पर क्या होता है, उनके नवचंद्राकार अर्थात नए चंद्रमा के आकार का इस प्रकार का गड्ढा बन जाता है, इस प्रकार का जो स्तूप बन जाता है, टिल्ला बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लुनेट कहा जाता है। लोयस किसे कहते हैं? लोयस पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल, पवन के द्वारा जो धूल उड़ाई जाती है वो, और वो धूल जहां जमा होती है वो जमा हुई धूल क्या कहलाती है? लोयस कहलाता है। बालसन किसे कहते हैं? बालसन रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बालसन कहा जाता है। रेगिस्तानी भाग है और वहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वो बालसन कहलाता है। जैसे बजादा किसे कहते हैं, प्रश्न आ जाए, बजादा रेगिस्तानी भागों में प्लाया पर्वतीय, प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के बीच मंद ढाल वाले मैदान होते हैं, और इस मैदान का जितना भाग जो प्लाया से मिलता है उसे बजादा कहते हैं। प्लाया का अर्थ है यानी जैसे जो रेगिस्तानी भाग है वहां रेगिस्तानी भागों में जो तालाब है, और तालाब जिसको हम प्लाया कहते हैं, तो वहां पर क्या है कि उनके जहां पर जो जो मैदान उस प्लाया से मिलता है उसी को बजादा कहा जाता है। यानी उस मैदान में या उस तालाब में जो झील आकार का जो है उसमें जो पानी आता है जिस मैदान से होकर के वो बजादा कहलाता है। पेडिमेंट किसे कहते हैं? पेडिमेंट रेगिस्तानी भागों में पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के बीच अपरदित शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहते हैं। यानी बजादा और पर्वतीय क्षेत्र उनके बीच का जो शैल अपरदित शैल अर्थात वो बीच की भूमि जो है पेडिमेंट कहलाती है। लहर से क्या अभिप्राय है? लहर क्या है? महासागरीय सतह की दोलायमान गति को लहर कहते हैं। महासागरीय सतह की जो दोलायमान गति है, लहर तो आप जानते हैं जिसका पता जल स्तर के उठने और गिरने से लगता है, अर्थात जल स्तर कभी ऊपर उठता है कभी नीचे उठता है, तो वो लहरें कहलाती है जिनको हम वेव्स कहते हैं। वातोर्मी किसे कहते हैं? वात प्लस उर्मी, वातोर्मी क्षेत्र। जल की गति और प्रवाह का इस प्रकार होता है कि उसमें स्थित कण ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। जितने जल के ऊपर पवन अपना प्रभाव उत्पन्न करता है उसे वातोर्मी क्षेत्र कहते हैं। वातोर्मी वात प्लस उर्मी, उर्मी यानी लहर, हवा से बनने वाली लहर जिसको वातोर्मी कहा जाता है। सुनामी से क्या अभिप्राय है? सुनामी समुद्री भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव से जो लहरें उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहते हैं।
भूकंप, समुद्र में जो भूकंप आता है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण प्रभाव से जो भयंकर लहरें उत्पन्न होती है उनको सुनामी कहा जाता है। बीच या पुलिन, बीच का मतलब तट होता है, समुद्री शोर, समुद्र की सीमा से लगी हुई पट्टी जो स्थल से सागर की ओर ढालू होती है, स्थल से सागर की ओर ढालू होती है तथा उच्च एवं निम्न ज्वार की सीमाओं के बीच स्थित होती है, उसे पुलिन या बीच कहा जाता है। समुद्र के बीच, जैसे समुद्र का तट जो कि स्थल से सागर की ओर ढालू होती है, स्थल से सागर की ओर ढालू, जैसे स्थल जो है इधर से ऊंची होती है, ढालू इसकी तरफ ढालू होती है, अर्थात समुद्र की तरफ नीची होती है और समुद्र से इधर जो है ऊंचाई होती है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समुद्र बीच या पुलिन कहा जाता है। सागर तट रेखा से क्या अभिप्राय है, सागर तट के जिस भाग को औसत समुद्र तल छूता हुआ गुजरता है उसे सागर तट रेखा, यानी जैसे जिस रेखा को जहां तक समुद्र तल गुजरता रहे छूता हुआ, या जिस सीमा को छूता है वो सागर तट रेखा है। समुद्री किनारा किसे कहते हैं, वह क्षेत्रीय पट्टी जहां की भाटे के समय जल निचले स्तर तक एवं दीर्घ ज्वार के समय तक तट की ओर फैल जाता है, वो समुद्री किनारा है। समुद्री किनारा यानी जहां पर ज्वार भाटा जब आता है समुद्र में, और समुद्र में ज्वार आता है पानी इधर फैल जाता है, और भाटे के समय जल क्या होता है निचले स्तर तक चला जाता है, मतलब आगे तक चला जाता है, जैसे मान लो काफी जगह छोड़ देता है, और वो जगह क्या कहलाता है, समुद्री तट या समुद्री किनारा कहलाता है। फियोर्ड किसे कहते हैं, फियोर्ड हिमयुग की समाप्ति पर सागर तल के ऊपर ऊंचा उठने एवं हिमानी घाटियों के गहरी खाड़ियां बनने से जलमग्न हुई यू आकार की घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। देखिए हिमयुग का समाप्त हुआ, हिमयुग समाप्त हुआ जिससे सागर का तल ऊंचा उठा, हिमयुग यानी पिघल करके, बर्फ पिघल करके और समुद्रों में गई, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठा, ऊंचा उठा जिससे क्या है कि जो गहरी हिमानी घाटियां थी वो गहरी खाड़ियां बन गई, और वो खाड़ियां खाड़ियां बनने से वो जलमग्न हो गया, अर्थात वो पानी में समा गई, यू आकार की घाटियां थी वहां पर पानी हो गया, और उनको क्या कहा जाता है, फियोर्ड कहा जाता है। रिया तट रेखा क्या है, निमग्न से नदियों के मुहाने या निचली घाटी पानी में डूब जाने से जो विशेष प्रकार की तट रेखा बनती है उसके रिया तट कहते हैं। जैसे नदियों के मुहाने या निचली घाटी, नदियों का जो मुहाना या निचली घाटी जो पानी में डूब जाता है उससे जो एक विशेष रेखा बनती है, अर्थात जो विशेष प्रकार की तट रेखा बनती है उसी को रिया तट कहते हैं। हेफ तट किसे कहते हैं, हेफ तट जब बालू की श्रेणियां या बालू का विस्तार तट को, और ऐसा तट जो डूब जाए उसे हेफ तट कहते हैं। बालू की श्रेणियां या बालू का विस्तार, तो बालू रेत का विस्तार तट तक हो और ऐसा तट डूब जाए, यानी जो तट जो किनारा है वो डूब जाए उसे हेफ तट कहा जाता है। वायुमंडल की चार महत्वपूर्ण गैसें कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये चारों महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल का परिभाषा दीजिए, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन स्वादहीन गंधहीन गैसों का जो आवरण है, और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन स्वादहीन गंधहीन गैसों का आवरण, और इसी चारों तरफ फैले हुए इसी आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा है, वायुमंडल का सबसे निचला भाग परिवर्तन मंडल या सौभ मंडल है, सौभ मंडल है। इस सौभ मंडल में ही आप जानते हैं जैसे आंधी तूफान ये सब सौभ मंडल में ही होते हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें उनका अवशोषण करने वाली गैस होती है O3, ओजोन। ओजोन गैस से सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है जिससे धरातल पर सामान्य तापमान बना रहता है, इसीलिए तो ओजोन परत का जो छिद्र है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के सौभ मंडल में होती है। अभी मैंने आपको बताया जैसे बादलों का बनना, गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, कोहरा बनना, ये सब उसी में होता है। समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल यानी जलग जो 16 किलोमीटर के बाद समताप मंडल, तो समताप मंडल ये हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में उठते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पुनः धरातल पर परावर्तित कर देती है, वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को पुनः धरातल पर, और वो है आयन मंडल। कौन सा है, आयन मंडल की जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः धरातल पर भेजती है,
जिसके फलस्वरूप टेलीविजन और रेडियो प्रसारण का आनंद लिया जाता है, यानी आयन मंडल के माध्यम से उनके द्वारा जो तरंगें होती है वो पृथ्वी पर वापस भेजी जाती है, जिसी से हम रेडियो वगैरह सुनते हैं। धरातल से ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर क्षोभ मंडल में वायु ताप किस दर से कम होता है? धरातल से जब ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वायु का जो तापमान है वो कैसे कम होता है? धरातल से ऊंचाई की तरफ बढ़ने पर क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम। जो ही 165 मीटर ऊंचा जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। इस प्रकार तापमान कम होता जाता है। वायुमंडल की निचली परतों का प्रभाव किन पर पड़ता है? वायुमंडल की निचली परतों का प्रभाव मौसम विज्ञान की परिवर्तनशील दशाओं, कृषि उद्योग, मानव की कार्य क्षमता, आबादी, इन सभी पर पड़ता है। और प्रश्न आ जाए कि सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जहां वर्ष के अधिकांश समय आकाश खुला रहता है वहां इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। शक्ति के अन्य साधनों की तुलना में यह सस्ता और सतत प्रयोग प्राप्त होने वाला साधन है। सौर ऊर्जा है वो सबसे सस्ता भी है और अत्यधिक और लंबे समय तक चलने वाला भी है। अगर प्रश्न आ जाए ये पृथ्वी के ऊष्मा बजट से क्या आशय, ऊष्मा बजट क्या है? पृथ्वी के धरातल द्वारा सौर विकिरण के रूप में ऊष्मा ग्रहण करना तथा भूमिक विकिरण के रूप में ऊष्मा का हस्तांतरण करना पृथ्वी के ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। यानी सौर विकिरण के रूप में तो सूर्य से आने वाले जो विकिरण उनको तो ग्रहण करना, ठीक, और भूमिक विकिरण के रूप में ऊष्मा का हस्तांतरण और भूमि पर जो है उन ऊष्मा का विकिरण हस्तांतरण भूमि को प्रसारित करना अर्थात पृथ्वी को देना। तो यूं कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाले जो विकिरण है वो यहां पर एकत्रित की जाती है और एकत्रित करके फिर पृथ्वी की तरफ जो है उन किरणों का यानी धीरे धीरे या आवश्यकता अनुसार पृथ्वी की तरफ प्रेषित करना, ये एक ऊष्मा बजट कहलाता है। धन्यवाद सभी को। उम्मीद करता हूं कि ये 50 प्रश्न आपने देख लिए और अगले जो वीडियोज है वो जल्दी ही आपके आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।